नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो एंसिलरी सेक्टर के टॉप 5 शेयर्स के बारे में। दोस्तों बता दें, इस सेक्टर के जो 5 के 5 शेयर है, ये पांचों मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे सकते हैं, लेकिन सही प्राइस पे आपको बाय करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये सेक्टर जो है, ये मल्टी बैगर रिटर्न तो देते ही, साथ साथ यह साइक्लिक शेयर भी है। जैसा कि आपने देखा था, एक साल पहले तक इस सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसे कोई खरीदने वाला नहीं था, मतलब कोई पूछने वाला नहीं था हम किस सेक्टर के स्टॉक पे भागते हैं। जो सेक्टर अभी बुल रैली कर रहा हो, जिसका स्टॉक्स अभी 4 times हो गया हो, 2 times हो गया हो, 5 times हो गया हो, तो उसमें जाकर के आप ट्रैप होंगे। रिटेल इन्वेस्टर की यही गलती है, और इस गलती से आपको बचना है। इसके लिए आपको चैनल रेगुलर देखना पड़ेगा। हम आपको स्टॉप लॉस भी बताते हैं, और यहाँ पर लाइव जो चालू करेंगे जब लाइव, तो उसमें आप पूछ सकते हैं कौन से स्टॉक में अभी रहना है, कौन से निकलना है, तो ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो इसमें 5 stocks बता रहे हैं, 5ों में एंट्री कब लेना है ये भी बात बताएंगे। देखिए, जब गिरता है तो डरना नहीं है, जब मार्केट गिरे तभी तो एंट्री हमें करने का मौका मिलता है। देखो 5वें नंबर पे हमारा है सुंदरम क्लेटोन लिमिटेड। देखिए, भाव जो होता है वो भगवान होता है, भाव आपको सस्ता चाहिए ही चाहिए, इन्वेस्टर हैं आप तो इन्वेस्टर के लिए भाव भगवान होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, मात्र 1500 रुपये का था एक साल पहले, अभी 4000 तक ये जा चुका था शेयर। अब देखिए, इतना ऊपर आप खरीदेंगे तो 50% तक ये स्टॉक आराम से गिर सकता है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स है। ऐसे बोले तो ये मिड कैप स्टॉक है, तो मिड कैप में छोटा स्टॉक है, मिड कैप में भी कुछ होते हैं बड़े स्टॉक होते हैं। तो ये जब मार्केट में अगर 10% का गिरावट हो, तो ये स्टॉक तो आपको 30%, 20%, 50% तक गिर सकता है। तो ये होता है मार्केट जब गिरावट होती है, तो जो स्मॉल कैप मिड कैप होते हैं उसके भरपूर पिटाई होती है। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट भी उतनी होती है जितनी तेजी से ये स्टॉक भागते हैं। अभी हम मार्केट कैप की बात करें, 7039 crore है मात्र। और डिविडेंड यील्ड की बात करें, 0.89% का डिविडेंड यील्ड है इस स्टॉक का। प्राइस तो 3500 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13%, रिटर्न ऑन इक्विटी 12%, प्रमोटर्स होल्डिंग 75%, जितना मैक्सिमम हो सकता है। और ये TVS ग्रुप का स्टॉक है, ये भी याद रखिए कि जो ग्रुप होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये TVS ग्रुप का स्टॉक है। तो स्टॉक फंडामेंटली ऐसे भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ा सा डेट कंपनी के ऊपर है। 3.49 डेट टू इक्विटी का रेशियो है, मतलब अच्छा खासा डेट है कंपनी का, इक्विटी के कंपैरिजन में 3 times से ज़्यादा का डेट है। तो इन सब बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अभी के इसके चार्ट को देखते हैं, क्या स्टॉक साइक्लिक रहा है। तो देखिए, यहाँ पर 2001 में स्टॉक मात्र 34 rupees का था, वहाँ से स्टॉक जो है 2006 में 600 का हो गया, 36 rupees से 600 rupees का। अब देखिए, इतना ज़्यादा स्टॉक में तेजी देखने मिला, लगभग बात करें तो आपको 18 times का रिटर्न, 18 times का रिटर्न दिया। तो यहाँ पर तो करेक्शन बनता ही, अब देखिए करेक्शन कितना हुआ, तो 80% का करेक्शन। देखिए 18 times आपको रिटर्न दिया, तो 18% का करेक्शन, और स्टॉक जहाँ से चला था उसी 36 rupees पे आ गया। जहाँ से स्टॉक का जर्नी स्टार्ट हुआ था वहीं पे स्टॉक पहुँच गया। तो जब इतना आपको रिटर्न मिल रहा है 18 times का, तो यहाँ पर आप जो है प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। अब देखिए, आप 1 lakh rupees आपने इन्वेस्ट किया, वो हो गया आपका 20 lakh rupees के आसपास। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं हो तो 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर 50% को कैरी करते रहिए। और देखिए, फिर आप इसमें बने रहते, तो यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुआ फिर 2011 से, तो 2011 से ये रैली देखिए कहाँ तक पहुँचा। 2011 से 2017 तक में ये स्टॉक हो गया 6000 का ये स्टॉक हो गया। तो आप समझ लीजिए कितना का रिटर्न दिया। यहाँ से आपको दिखा देते हैं, आपको यहाँ से रिटर्न 2009 से लेकर के 2017 तक में इसका रिटर्न था 17000%, 17000% का रिटर्न। दोस्तों ऐसा रिटर्न बहुत ही कम स्टॉक में मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर फिर यहाँ से गिरावट देखिए, ये यहाँ से गिरावट भी स्टॉक ने उतना ही ज़्यादा दिखाया। 6000 से ये स्टॉक गिर करके फिर से आ गया 1320 rupees पर, 80% का गिरावट फिर से। देखिए, 2 times ये ऐसा साइकिल दिखा चुका, यहाँ से स्टॉक रैली किया, फिर से 80% का गिरावट, फिर से यहाँ स्टॉक गया ऊपर, फिर से 80% का गिरावट, 80% का गिरावट फिर से देखने मिला। तो इतना ज़्यादा गिरावट देखने मिला, और फिर ये
देख सकते हैं यहाँ 1300 से ये लगभग 4000 का जर्नी तय कर चुका है, तो फिर 3 times का रिटर्न यहाँ से दे चुका है। स्टॉक आगे भी रिटर्न देगा क्योंकि अब जो साइकिल चेंज होने वाला है वो फिर से ऑटो एंसिलरी सेक्टर का साइकिल आने वाला है। तो इस सेक्टर के सारे स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न आपको दे सकते हैं, लेकिन ये साइकिल में एक चलते हैं, तो जब आप अपसाइकिल में फंसेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो जो इस स्टॉक को तभी खरीदना जब काफ़ी सस्ते प्राइस पर आपको मिल रहे हैं, मतलब जब ये साइकिल अपना रिवर्स करने वाला इस तरह से, जब राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ बॉटम बनाया, जैसे ऊपर जाने लगा, आप यहाँ पर स्टॉक में ले सकते थे 1700 के आसपास एंट्री ले सकते थे और 1300 के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये पहला स्टॉक हो गया। आप दूसरा देखिए टिमकेन इंडिया लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, 11,000 करोड़ मार्केट कैप है, मिड कैप स्टॉक्स है। पहली बताइए मिड कैप और स्मॉल कैप रिस्क भी उतना है, अभी बुल मार्केट चल रहा है, अभी आपको लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं, अभी जो स्टॉक दौड़ रहे हैं उसमें हम प्रॉफिट ले लेते हैं, लेकिन जब ट्रैप होंगे तो आप जितना कमाए हैं सब देना पड़ेगा आपको मार्केट को, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, नहीं तो आपको अगले 5-6 साल तक इंतजार करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आपको एंट्री मिलेगा इस सब के स्टॉक में। जब साइकिल डाउन होगा उस साइकिल पे आपको स्टॉक्स लेना पड़ेगा, कभी भी हाई लेवल पे ट्रेप किए तो फिर आप पछताएंगे, फिर हमें भी गाली सुनाएंगे। तो हम हमेशा आपको लेवल भी बताते हैं कहाँ एंट्री करना है, इन्वेस्टर को बॉटम पे एंट्री करना है, इंतजार कीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इंतजार करना पड़ेगा, तो बिना इंतजार का आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो अभी जो सेक्टर बॉटम पे है कौन है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बोलेंगे तो कहेंगे आप रैली नहीं आता है, देखिए पहले जो 2005 के आसपास था उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बुल रैली था, उस समय स्टॉक वो काफ़ी महंगे हुए करते थे, अभी बिल्कुल सस्ता मिल रहा है, अभी आप उस सेक्टर के स्टॉक को बाय कर लीजिए, काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं। सारे सेक्टर के स्टॉक हमारे चैनल पर आपको मिलते रहते हैं, तो ज़रूर आप जाइए खुद का एनालिसिस करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी। अब देखिए इसका मार्केट कैप की बात करें तो 11,000 करोड़ हो गया, और वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें 3% का डिविडेंड यील्ड है, तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है इस कंपनी का। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13%, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.8%, प्रमोटर्स होल्डिंग 67.8%, और कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.03, मतलब वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। तो ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, लेकिन ये किसी भी ग्रुप ऑफ कंपनी में नहीं है। जो सुंदरम क्लेटोन था वो आपको ग्रुप ऑफ कंपनी था, उस कंपनी को खुद अपने कंपनी को भी बिजनेस में जो ऑटो एंसिली पार्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो बेचना होता है, लेकिन इस कंपनी के साथ वैसा कुछ नहीं है, लेकिन फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चार्ट की बात करें, देखिए ये चार्ट भी आपको साइक्लिक ही देखेगा, लेकिन इस स्टॉक में उतना मूवमेंट भी नहीं देखने मिलेगा जितना मूवमेंट आपको सुंदरम क्लेटोन में देखने मिल रहा था, तो साथ साथ इसमें उतना गिरावट भी देखने नहीं मिलेगा। देखिए 25 रुपीज से ये स्टॉक गया और हाई बनाया यहाँ पर 2011 में 217 रुपये का, 2012 में भी लगभग उसी पास रहा, वहाँ से फिर गिरावट होता है, 2013 में 50% का गिरावट, देखते 135 रुपीज़ तक आ गया, फिर वहाँ से आता है, फिर वहाँ से रैली होता है 2018 में 920 रुपीज़ का हाई बनाया, फिर वहाँ से गिरावट होता है और आ जाता है 536, वहाँ से 40% का गिरावट, देखते हैं 40% का गिरावट होता है टॉप से, और फिर यहाँ से स्टॉक 2018 से रैली करता है, तो काफ़ी गजब का रैली किया। तो ये स्टॉक भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, लगभग 6000% का रिटर्न दिया है 2001 से लेके 2021 तक में। उसके बाद तीसरे स्टॉक पर चलते हैं, मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और इसका जो मार्केट कैप है 18,000 करोड़ है, जो प्राइस है 667 रुपीज़ के आसपास है, और इसका जो डिविडेंड यील्ड है 0.06%, थोड़ा सा डिविडेंड यील्ड कम है, प्रमोटर्स होल्डिंग 70.9%, काफ़ी बेहतरीन, डेट टू इक्विटी 0.43, तो डेट इक्विटी काफ़ी बेहतरीन है, यह भी कंपनी वर्चुअली लगभग काफ़ी कम डेट रखता है, मतलब काफ़ी कम डेट है इस कंपनी के ऊपर। उसके बाद बात करें इसके चार्ट का, तो ये इस कंपनी का चार्ट काफ़ी अच्छा है, इसका चार्ट जो उतना साइक्लिक नहीं रहा, हमेशा ग्रोइंग मोड में ये स्टॉक रहा है, और ये स्टॉक भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। अगर 2014 से सिर्फ बात करें, 2014 से ये 5300% का रिटर्न दिया है, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन है, मात्र 7 years में 53 times किया है इन्वेस्टर को रिटर्न को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए काफ़ी लंबे समय तक ये स्टॉक भी यहाँ पर मूवमेंट नहीं किया, बल्कि यहाँ पर गिरावट दिखाया, 2018 में जो हाई बनाया वहाँ से इसमें भी अच्छा खासा गिरावट आया था, लगभग 46% का,
मतलब 46% गिरावट एक बहुत बड़ी गिरावट होती है अब तो, और काफ़ी लंबे समय तक ये कंसोलिडेट भी किया यहाँ पर। टाइम वाइज कंसोलिडेशन, प्राइस वाइज दोनों कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने मिला 2020 तक, तो 2018 से लेकर 2020 लगभग दो साल तक कोई भी मूवमेंट इस स्टॉक में देखने नहीं मिला। उसके बाद अगला जो दूसरे नंबर पे स्टॉक है वो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और इसका लिस्टिंग जो है मतलब उतना पुराना नहीं है, तो इस स्टॉक में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है क्योंकि यह स्टॉक उतना पुराना लिस्टिंग नहीं है, मतलब दो चार साल ही हुआ है। मार्केट कैप की बात है 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 17%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, डिविडेंड यील्ड 0.35% और करेंट प्राइस जो है 1,550 रुपीज़ है और डेट टू इक्विटी 0.12 है और जो टोटल डेट है कंपनी के ऊपर 424 करोड़ का है, तो ज़्यादा कुछ डेट नहीं है कंपनी का, तो इस कंपनी के ऊपर भी डेट काफ़ी कम है। अब बात करें इसके चार्ट का, तो देखिए ये चार्ट तो ये तो कुछ ही साल हुए हैं, 2016 में ही कंपनी लिस्ट हुआ, इतने में दिखा रहा है कि ये स्टॉक पूरी तरह से साइक्लिक है। देखिए यहाँ से 600 से ये स्टॉक मूव किया और 600 से चला गया 1400 पर, 1400 से स्टॉक फिर से गिर करके आ गया 600 पर, 600 से फिर से स्टॉक मूव करके चला गया 1500 पर, तो इस तरह से ये साइकिल में चला है ये स्टॉक। तो इस साइकिल को आपको पकड़ना पड़ेगा तभी आप जो है यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसके पहले नंबर पे, वो है मदरसन सुम्मी लिमिटेड, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक और ये भी स्टॉक पूरी तरह से साइकिल में चलने वाले हैं। तो आपको ये स्टॉक मैंने एक साल पहले से रिकमेंड किया था जब 60 रुपीज़ के आसपास था, अगर आप 60 रुपीज़ पर बाय किए रहते तो आपको 4 टाइम्स का रिटर्न मिलता वहां से। और इस ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है, 74,000 करोड़ मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप में सबसे बड़ी कंपनी है। करेंट प्राइस है 237 रुपीज़ और डिविडेंड यील्ड है 0.63%, तो काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 8.8%, तो रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड सबसे कम है इसी कंपनी का। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.89%, प्रमोटर्स होल्डिंग 61% और प्लीज परसेंटेज है 4.21%, तो कोई खास मैटर नहीं करता है, काफ़ी कम प्लीज परसेंटेज है। डेट इक्विटी 0.80, तो डेट इक्विटी भी काफ़ी कम है, 1 से नीचे रहे तो काफ़ी बेहतरीन है, 1 से ज़्यादा हो तो थोड़ा दिक्कत करता है, अगर 2-3 से ऊपर हो गया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है। ऐसे भी सेक्टर में हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ डेट देखने मिला था, सिर्फ टिमकेन के पास काफ़ी कम डेट था, लगभग वर्चुअली डेट फ्री कंपनी था। अब मदरसन सुम्मी सिस्टम के चार्ट की बात करें तो देखिए ये हमेशा चार्ट पीछे तो ग्रोइंग मोड में रहा था, चार्ट में कुछ खास 27 रुपीज़ से 18 रुपीज़, और फिर यहाँ पर देखिए 40 यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ था 2015 से लेकर के फिर 16 तक में, लगभग 50% से ज़्यादा का गिरावट था। ये हाई बनाया था लगभग 173 का, वहाँ से स्टॉक गिर करके काफ़ी नीचे आया था 100 पर, और फिर से ये स्टॉक यहाँ पर दिखाई 2017 में अपना हाई बनाया 260 रुपीज़ का हाई बनाया, वहाँ से देखिए काफ़ी गिरावट देखने मिला था 2017 के बाद, और 2020 में अपना ये लो बनाया था जहाँ से लगभग 80% तक का गिरावट, तो देखिए ये स्टॉक भी 80% तक करेक्ट हुआ, तो 80% गिरावट के बाद इस स्टॉक का रिटर्न तो काफ़ी कम हो गया होगा, और जो इस पे ट्रैप हुए होंगे यहाँ पर ऊपर में उन्हें यहीं पर आकर के निकलने का मौका मिला लगभग 3 साल बाद। तो इसलिए कहते हैं कभी भी आपको हायर लेवल पे ट्रैप नहीं होना है, हमेशा आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न खोजना। देखिए यहाँ पर भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, यहाँ पर भी राउंडिंग पैटर्न बनाया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2012 में भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, तो हमेशा जो स्टॉक होता है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इन सारे चीज़ों को आपको देखना है कौन सा स्टॉक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो बॉटम पे आपको पिक करना है, इन्वेस्टमेंट का यही रूल है। कभी भी आप हायर लेवल पे ट्रैप होंगे तो फिर आप हमें भी ब्लेम करेंगे, तो आपको ये टेक्निकल चार्ट को भी सीखना पड़ेगा कब एंट्री लेना है। स्टॉक्स तो मैंने आपको बता दिया, आपने स्टॉक को जान भी लिया किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ये 5 स्टॉक है जिसमें से आप एक दो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें टिमकेन काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, मिंडा इंडस्ट्री काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, दोनों लगभग वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, और मदरसन सुम्मी इस सेक्टर के सेक्टर लीडर स्टॉक है, तो इसमें आपको उतना रिटर्न नहीं देखने मिलेगा जितना उन सारे स्टॉक में मिलेगा, क्योंकि अगर तीसरे नंबर का स्टॉक अगर एक नंबर पहुंच जाता है सेक्टर में तो वो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देगा अपने इन्वेस्टर को, लेकिन उसमें रिस्क भी उतना ही है कि अगर बिजनेस प्रभावित हुआ तो उस कंपनी में गिरावट भी उतनी ज़्यादा होगी। तो कभी भी आप हायर लेवल पे स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें,
तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चाहे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।